आखिर क्यों श्रावण के महीने में नॉनवेज खाना स्ट्रिक्टली मना होता है? क्यों लोग धनतेरस के दिन सोना खरीदते हैं? एकादशी पे फास्ट क्यों रखा जाता है? सूर्य देवता को जल अर्पण करने के पीछे आखिर लॉजिक क्या है? क्या सिंबोलिज्म है नींबू मिर्ची लटकाने के पीछे? और आखिर क्यों मंदिर में नंगे पैर चलने की सलाह दी जाती है? दोस्तों, आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में हमारी जनरेशन हिंदू फेस्टिवल्स और रिचुअल से धीरे धीरे दूर होते जा रही है। हम फेस्टिवल्स तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उनके पीछे छुपे हुए साइंस और स्पिरिचुअल लॉजिक का हमें कोई पता ही नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं। इसी वजह से हमारी जनरेशन अपने कल्चरल रूट से डिस्कनेक्ट होते जा रही है। हमें व्हाट टू डू तो पता है, बट व्हाई टू डू सो इसका क्लू भी नहीं है। मैं हूं दलजीत कौर और कथावाचक के इस नए सीजन में मैं इस गैप को ब्रिज करने की पूरी कोशिश करूंगी। यहाँ हम हर व्हाट के पीछे छुपे व्हाई को एक्सप्लोर करें, हर फेस्टिवल का मतलब समझें और रिचुअल्स को डीकोड करें और उनके हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स को अनकवर करें। क्योंकि हमारा गोल सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि आपकी क्यूरियोसिटी को जगाना है, लेकिन इस बार मॉडर्न और मीनिंगफुल तरीके के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम ला रहे हैं कथावाचक का एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सीजन, भक्ति विद लॉजिक, ओनली ऑन आवर चैनल बॉटम्स अप स्टूडियोज़।